ये आपका क्या है, कॉमन साइड है, और ये टेंजेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो बाई ट्रिपल एस से कॉन्वेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रूफ देखिए, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया। हाँ देखिए, इसमें इन ट्रायंगल ओपी ओपीए एंड ओसीए, OP इक्वल OC रेडियाई, दोनों कॉन्वेंट दिखाएंगे। PA इक्वल या AP इक्वल AC, यह है क्या, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये बाय थ्योरम से आपको पता है दोनों इक्वल होते हैं, और OA इक्वल OA कॉमन साइड्स। हाँ तो AOB हमें 90 प्रूफ करना है। देखिए तो सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कॉन्वेंट दिखाएंगे। कॉन्वेंट दिखाने से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इसको एंगल मैं 1/2 ले लेता हूं, ठीक है? तो पहले कॉन्वेंट दिखाते हैं। OPA कॉन्वेंट टू ट्रायंगल OCA बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्वेंसी, रूल ऑफ कॉन्वेंसी। हाँ जब ये दोनों कॉन्वेंट हो जाएगा तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा बाय सीटीसीटी, रेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट एंगल 1 इक्वल 2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एंगल ए, ए मतलब पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल वन, पी ए सी वन का डबल कर देंगे तो पी ए सी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से दोनों भी कॉन्वेंट हो जाएगा। इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं। सिमिलरली सिमिलरली ट्रायंगल ओक्यूबी कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ओक्यूबी कॉन्वेंट टू ओसी ओसीबी, ये भी ऐसे हो जाएगा कॉन्वेंट। तो इसको आप 3/4 कर लीजिए, 3/4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाय सीपीसीटी, और क्यूबीसी एंगल क्यूबीसी ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं।
हाँ, अब देखिए एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक अलग समझिए, जैसे इस तरह से होता है तो इन दोनों का प्लस कितना होता है, 180 होता है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी रेखा, कोई भी लाइन दो लाइन को तिरछी रेखा काटती है तो इन दोनों का प्लस 180 होता है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल का प्लस 180 होगा। तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC 180 बाय एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आप इतना सब नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ को इंटीरियर एंगल लिख देंगे तो भी सही है, मैंने और लगा के यहां लिख दिया, या दोनों लिख देंगे। अब इसकी जगह हमें है ट्वाइस एंगल वन और इसकी जगह है ट्वाइस एंगल थ्री 180, तो दो से सबको डिवाइड करेंगे तो 180 बाय 2 ये देगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो 1 प्लस 3 आपका हो गया 90। इन ट्रायंगल AOB में एंगल AOB प्लस एंगल 3 प्लस या एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का प्लस 180 होता है। इधर सॉल्व कर चुके हैं, अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये हमारा आ चुका है, देखिए ये वैल्यू आ चुकी है ना, मैंने कितना आया 90 ना, AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, सो AOB इक्वल 90 डिग्री, देखिए 90 उधर जाएगा ना 180 वैसे, तो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। एक चीज आप जान लीजिए, जैसे आपको लिखना है एंगल AOB तो ये जो एंगल बनाते हैं ये बड़ा होना चाहिए इससे, नहीं तो छोटा बड़ा समझा जाएगा। ये जो एंगल है ना, ये लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए ऐसे स्ट्रेट, और ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप लोग सही से बना नहीं पा रहे, कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं, तो ये गलत नोटेशन है। आप बुक साइज देखिए एनसीईआरटी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए इसका और इसका प्लस अगर हम 90 दिखा देते हैं तो तीनों ये 90 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये तीनों का 180 होता ही है, तो हमारा इस क्वेश्चन में ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों 90 आ जाए। कैसे आएगा, अगर हम इसको कांवेंस दिखाते हैं तो 1 इक्वल टू आएगा, अब 1 का डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल शो करेगा, क्यों
ये दोनों इक्वल है ना, तो वन इक्वल टू हमने दिखाया, फिर यहाँ सेम ऐसे थ्री इक्वल फोर दिखाया, इन दोनों को कॉन्वेंट दिखा करके। आप ऐसे भी कर सकते थे जब दोनों सेम है तो एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, भाई ये भी एक्स है, भी एक्स, ये वाई, ये वाई, समझ रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वाई वाई भी ले सकते हैं, एक्स एक्स भी ले सकते हैं। अब इस ये पूरा एंगल और ये पूरा, अभी यहां समझाया, देखिए यहां पर ये हमेशा 180 होता है, इसे को इंटीरियर एंगल कहते हैं या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहते हैं। आईसीएसई बोर्ड की बुक में को इंटीरियर एंगल है और इंटरनेट पर भी मैंने चेक किया, जबकि एनसीईआरटी में को इंटीरियर का कहीं नाम दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको को इंटीरियर ही कहते हैं। आप इंटरनेट पे, मैंने इसीलिए कहा जहां पर थोड़ा सा आपको डाउट हो तो आप इंटरनेट से चेक कर लें, वहां पर बहुत ब्रॉड है, वो ग्लोबल डिक्शनरी है जो पूरे ब्रह्मांड में चलती है। हाँ, तो अभी वन प्लस थ्री हमने 90 दिखा दिया है, यहां देखिए 1+3 90 दिखा दिया है, तो ये दोनों जब 90 हो गया तो ये 90 नहीं आएगा, बस एक करना था इस क्वेश्चन में। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, मतलब एक ट्रायंगल है, ओ सॉरी एक सर्कल है और एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स है, और देखिए इस तरह से ये पॉइंट आप ले लीजिए पी ओ ए बी, और देखिए इसका और इसका प्लस सप्लीमेंट्री दिखाना, सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। यस सर, तो ये हमें प्रूव करना है, ऐसा हम लोग कर भी चुके हैं शायद पीछे, तो कैसे दिखाएंगे भाई, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री, हाँ तो देखिए इसमें ये तो दोनों क्या होता है, ये एंगल ये 90 होता है ना, ये भी 90 होता है, और ये आप देखो क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 चार साइड है कि नहीं है, तो फोर साइड में सभी का सम कितना होता है, 360 होता है, तो आप क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ए ए ओ बी पी, क्यों जी, हाँ क्या कह रहे हो, क्या नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अच्छा यहाँ पर नहीं, नहीं यहाँ पर ही कह रहा, हाँ देखिए 1 2 3 4 चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, अब जब क्वाड्रिलेटरल हो गया तो एंगल ए पी बी, ए पी बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए वो बी, ए वो बी, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है जी, हाँ हाँ, तो ये ए बी की जगह आप रखो 90 90, तो
360 माइनस 180 यही हमें प्रूफ करना था। एक तो ये मेथड हो गया छोटा सा, और एक मेथड से भी हो सकता है। सेकेंड मेथड ये है, देख लीजिए लिख चुके हैं। सेकेंड मेथड ये है कि इस ट्रायंगल का सम 180 होगा, इस ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल 180 होगा। अब इस ट्रायंगल की देखिए, ये एंगल तो ऊपर वाला, फिर ये प्लस ये 180 होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का प्लस 180 होगा। फिर सब प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो इसका प्लस इसका ये एंगल पूरा पी हो जाएगा, और यहाँ ये वाला प्लस ये वाला ये आपका ये वो भी हो जाएगा। तो जैसे आप एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसको दो ट्रायंगल में भी बदल के कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल 360 होता है, लेकिन ये आया कैसे, ये दो ट्रायंगल बना के ही तो आता है। हाँ, तो उस तरह से भी कर सकते हैं और बड़ा हो जाएगा। कुछ लोगों को ये सोच रहे होंगे कि ये तो चार लाइन में कर दिए, हमको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, एक क्वाड्रिलेटरल में 360 होता, अब दो ट्रायंगल को का प्लस एंगल का सम करोगे 360 आएगा। वो भी एक प्रॉपर्टी है, बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो। तो नंबर के ऊपर डिपेंड है कितने नंबर का है, ज्यादा नंबर का है तो और बड़ा कर लो। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, प्रूफ दैट ये पैरेललोग्राम सर्कल इस टाइप ये सर्कल ये रोम्बस, ये जो फिगर है आपका कोई एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 का उसी टाइप का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए फिगर है ना, सर्कल स्क्राइब ये रंबस लाना है। ये पैरेललोग्राम है, पहले तो पैरेललोग्राम दे रखा, फिर रंबस इसको प्रूव करना है। ए बी सी डी पी क्यू आर यस, गिवन क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम टू प्रूव सोल्यूशन। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी जी रोम्बस, रोम्बस
हाँ इसमें देखिए एपी इक्वल एपी इक्वल एस क्यों हुआ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल होता है ना इक्वल मैंने लिख भी दिया एपी इक्वल एस अब हमें एपी के साथ देखिए एबी ये अब एबी लाना है ना तो एपी लिखे हैं तो बीपी भी लिखेंगे ना लेफ्ट में बीपी इक्वल बीक्यू बीपी इक्वल बीक्यू हाँ इसके बाद क्या करेंगे आप इसके बाद इसको ले लीजिए तो इसमें कैसे लिखेंगे सी आर इक्वल सी क्यू और जब सी आर लिए हैं तो सी क्यू हो गया तो डी आर इक्वल डी एस हो जाएगा डी आर इक्वल डी एस अब इसको आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर आईडी क्या आईडी वन टू थ्री एंड फोर वी गेट क्या मिलेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए एस प्लस देखिए एस के साथ डीएस लिख दीजिए ठीक है जी देखिए दोनों में एस है ना कॉमन एस प्लस सबको करना है बट मैं यही साथ में लिख दे रहा हूं एस के साथ डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू देखिए यहां पर इन दोनों में क्यू कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं एडी और बीसी एपी प्लस नहीं ये क्या है एबी प्लस सीडी अब पैरेललोग्राम है तो एबी इक्वल क्या होगा अपोजिट साइड क्या होगा सिंस या एल आर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई डी ए पैरेललोग्राम एबी इक्वल सीडी एंड एडी इक्वल बी सी तो इसको हमें यहां पर शिफ्ट करना है इसको फाइल कर लीजिए तो इसी को पुटिंग कर दीजिए यहां पर AB plus AB AD plus AD तो ट्वाइस AB इक्वल ट्वाइस एडी टू टू कट जाएगा AB इक्वल AD मतलब देखिए ये साइड इसके इक्वल पहले से है और ये इसके इक्वल आ गया ये इसके इक्वल हो गया तो चारों साइड इक्वल हो गया ना हेंस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA या AD हेंस ABCD दीजिए रोम्बस रोम्बस छोड़ दीजिए कोई लाइव नहीं है Thank you.
लोगों को सर्दी में नींद बहुत आ रही होगी, कुछ लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ लोगों को सोने में मजा आ रहा है, इसीलिए स्कूल नहीं आ रहे। नींद सबको प्यारी होती है। साइड का जो टुकड़ा बच रहा है ये भी लेंगे लेफ्ट में, एपी लेफ्ट में रखा है तो बीपी भी लेफ्ट में ही रखेंगे। दूसरी बात, इसके अपोजिट साइड भी खाना है तो इसका सीआर जब लेंगे तो यहां भी लेफ्ट में डीआर लेना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक आएगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन और आए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिगर तो इसमें दे रखा, इसमें हीरोन फॉर्मूला लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन सर्कल है, एबीसी ट्रायंगल सर्कम सेंटर है, सर्कल मतलब बाहर की तरफ है, ट्रायंगल ड्रॉन ये सर्कल, देखिए एबीसी इज ड्रॉन टू ये सर्कल, सर्कम स्काई ये सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर है,
रेडियस भी दे रखा है इस सर्कल का, रेडियस है फोर, ये फोर है, पॉइंट दे रखे हैं, अच्छा पॉइंट भी लिख दिया, यहाँ भी है, यहाँ सी है, और ये पॉइंट डी है, इधर 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला 8 सेंटीमीटर, हाँ, अब ये पॉइंट्स आप अपने आप ले सकते हैं, डी हो गया तो डी ले लेंगे और एफ ले लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, ये 6 है तो ये 6 होगा, इन दोनों को आप एक्स ले लेंगे, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, अपनी तरफ से एक्स ले लेंगे, तो लेट ए ऑफ इक्वल ए इक्वल एक्स, ठीक है जी। अब हमें सभी साइड निकालना होगा, ए बी निकाल लो, बी सी और ए सी, ए बी आपका आएगा एक्स प्लस 8, बी सी 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, और एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए पेरीमीटर 2s इक्वल क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2s पेरीमीटर होता है, हीरोन फॉर्मूला याद कीजिए, तो एक्स प्लस 8 14 एक्स प्लस 6 2s प्लस 20 प्लस 8 28 इक्वल आएगा एक्स प्लस 14। अब हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब ए के सामने साइड ए होती है, बी के सामने साइड बी होती है, और सी के सामने साइड सी होती है, ये वाली साइड क्या होती है पता है ना, समझ रहे हैं, ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, मतलब इसमें रखेंगे, तो यहां से इस ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं या इसमें लिख देंगे, नहीं समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल यस कितना भाई, 14 प्लस एक्स प्लस 14 और कितना होगा दूसरा, एक्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आप पहले करो ऐसा करो अलग से निकाल दो ताकि रखने में इसमें आसान हो जाए, यस माइनस ए यस मतलब 14 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस माइनस ए, ए का मतलब 14 ही होगा तो यस आएगा, यस माइनस बी, बी आपका हो जाएगा एक्स प्लस 6 आएगा, यस माइनस सी, सी आपका कितना आया है एक्स प्लस 8, जैसे एक्स कटेगा ये 6 आएगा, तो ट्रायंगल की एरिया 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 ऑफ ए बी सी यस आया है एक्स प्लस 14 और दूसरा है एस माइनस सी, ये है एक्स और तीसरा है एट सिक्स, अगली बार इसको जब यहां से मिला देंगे, देखिए ध्यान से, तो
तो एक ट्रायंगल हमें यहां से मिल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा बेस इनटू हाइट। देखिए इतना ये रेडियस 4 ही होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप और ले लो, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया इसकी एरिया के इक्वल होगा, समझ रहे हैं? तीन ट्रायंगल बनेगा ना अंदर, तो समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई? देखिए ए ओ बी की एरिया कैसे निकालोगे, बेस इनटू हाइट इतने होगा ना, हाफ बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं होता? फिर ऐसे इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे हाफ बेस इनटू हाइट, इसका फिर निकालोगे ये बेस होगा या हाइट होगा, हाँ? तो तीनों का प्लस और एरिया ए बी सी के इक्वल होगा ना। देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर दो हमें, चलो इतना कर लिए। हाँ चलिए देखिए आगे, चलिए मैं लिख रहा हूं ना ए बी सी एरिया ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ए ओ बी एरिया ऑफ बी ओ सी एरिया ऑफ ए ओ सी, ठीक है जी? हाँ, इसकी एरिया आप यहां से रख दो, कितना आया है एक्स प्लस 14 एक्स फिर 8 फिर 6, यही तो आया है। और इसकी एरिया ए ओ बी की एरिया कहाँ है? देखिए ये साइड कितना है x प्लस 8 और हाइट कितना है 4 है ना, ये देखिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा 90 पर होता है ना, क्या होता है ये सब 90 पर होता है नहीं होता, तो ये बेस हो गया, बेस कितना है x प्लस 8 और हाइट 4। अगले में आ जाओ बीओसी, बीओसी है बेस कितना जी 4 इंटू 14 इंटू 4, यही तो होगा। तीसरा क्या है x प्लस 6 और इंटू 4, देखो हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए सब, अगर सॉल्व करेंगे देखिए यहां से सब 2 ऐसे कटेगा ना, यहां 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, तो 2 बाहर ले लो, तो बाहर लेने से कितना बनेगा x प्लस 8 14 x प्लस 6 2 बाहर हो गया, और इसको सॉल्व करो x x कितना होगा 2x 28 ये होगा, फिर और दो कॉमन ले लो तो कितना होगा x प्लस 14 होगा, हां x प्लस 14 हो गया भाई। हाँ यहां से देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है इसको लिख लो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे तो इधर तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, हाँ अंडर रूट इधर से हट जाएगा ना स्क्वायर करने पर, यहां लिख दो स्क्वायरिंग, क्या लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये 14 का होल स्क्वायर, इतने तो बनेगा, बोलो। अब एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक पावर बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो एक पावर बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ समझ में आ रहा है? बाहर नहीं आ रहा, बोलो। एक पावर है इसको डिवाइड करोगे तो एक ही तो पावर बचेगा, ये 16 है तो कितने से कटेगा 2 यहां आएगा कि नहीं आएगा, हां डिवाइड करेंगे तो यहां कितना बच रहा है 6x बच रहा है और यहां कितना बच रहा है 2x plus 38 6x यहां कितना बचा 2x plus 38 2x plus 6 14 बचा, हां क्या कह रहे हो? हाँ इसी को सॉल्व करो, अच्छा 2 से इसको भी काट दो 3 आएगा कि नहीं, 3x इक्वल कितना आया x प्लस 14, हाँ तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा 3x में से x निकाल दो इक्वल 14
टू एक्स इक्वल कितना आया? टू एक्स इक्वल सेवन आया कि नहीं आया? हाँ सर, जब एक सेवन आ गया तो आप सेवन यहाँ रखोगे तो इस सभी की हाइट को लेंथ बतानी है, ये तो 14 है, इसका इसका लेंथ बताना है, तो 6 प्लस 7 कितना होता है? AC इक्वल 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर आएगा, और AB निकालना है, हाँ 6 प्लस 7 कितना होगा? नहीं 8 प्लस 15 हो जाएगा, बस यही आंसर पाना। हाँ यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और क्या कैसे करोगे? यहाँ आप या तो होल स्क्वायर खोल के करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, फैक्टर करना पड़ेगा सब, फिर यहाँ से x की वैल्यू -14 आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको लेफ्ट में ले लोगे तो x प्लस 14 भी आएगा, काटोगे नहीं तो x प्लस 14 आएगा, ऐसे x प्लस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आएगा? -14, तो x नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो 14 आपका -14 आ सकता है, अब काटेंगे नहीं तो लेफ्ट में लाके कॉमन कर सकते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, देखो जैसे x स्क्वायर माइनस x इक्वल 0 है तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर हम इस तरह से करेंगे, ऐसे काट देंगे तो यहां पर गलत माना जाता है, तो इसको आप अगर काटना, देखिए काटना मत काटिए, आप लेफ्ट में लेके कॉमन ले लीजिए, पहले मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको x ऐसे कॉमन ले लीजिए, देखिए तो x की दो वैल्यू आएगी 0 और 1, लेकिन अगर यहां प्लस है तो माइनस वन आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आप ऐसे मत काटिए, लेफ्ट में ले आइए, समझ रहे हैं? तो x इक्वल -14 एक वैल्यू आएगी और x इक्वल 7 आएगी, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको आप जो मैंने काट दिया इसको मत काटिए, आप ऐसा करो एक कहीं साइड में लिख दो x प्लस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल -14, ये भी कर लो, ठीक है वही साइड में बस इतने कर लो। अभी मैंने समझाया कैसे आया ये भाई, हमने दोनों तरीका समझा रहे हैं, कॉमन जैसे इसको इधर ला करके काटना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि पॉलीनोमियल में आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक के समय जितने पावर होते हैं उतनी वैल्यू निकलती है ना, तो ये काटना ठीक नहीं है, आप ऐसा करो लेफ्ट में ला करके कॉमन ऐसे ले लो, बात समझ गए कि नहीं? तो जैसे मैं यहाँ कॉमन लेके लिख रहा हूँ, देखिए इसको आप यहाँ ये वाला मत करो, ये ऐसे लिख लो, बस यही करो, ये साइड में थोड़ा सा दो लाइन लिख लो, चल हो गई, चलो ठीक है बस आज इतना ही।